दोस्तों साउथ इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर एसएस राजामौली, जिन्होंने आरआर और बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बखूबी डायरेक्ट की है, तो वहीं ये अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एसएस राजामौली ने अपनी इस फिल्म में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें इन्होंने बॉलीवुड के सितारों को उनके किरदार से हटा दिया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं आखिर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने बॉलीवुड के इन सितारों को अपने किरदार से क्यों हटाया और इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आज की हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको इन्हीं सब बातों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साउथ इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर एसएस राजामौली अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कई सितारों को कास्ट करने वाले थे, जिसकी वजह से ये सितारे काफी सुर्खियों में थे। लेकिन साउथ की फिल्म पुष्पा और आरआरआर और केजीएफ आने के बाद डायरेक्टर राजामौली ने अपने फिल्म में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के सितारों को उनके किरदार से हटा दिया। आपको बता दें बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान कृष्णा के किरदार में नजर आने वाले थे, तो वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्रौपदी के किरदार में नजर आने वाली थी और अभिषेक बच्चन दुशासन के किरदार में नजर आने वाले थे, जिनके साथ बॉलीवुड के कई और सितारों का भी नाम शुमार है, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा का भी नाम शुमार है। और साउथ के फेमस एक्टर प्रभास फिल्म में भीम के किरदार में नजर आएंगे। तो वहीं बता दे बॉलीवुड के सितारों को उनके किरदार से हटाने की वजह है साउथ की फिल्में, जहां राजामौली को लगता है कि साउथ इंडस्ट्री के सितारे ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से उन्होंने कृष्णा के किरदार को निभा रहे आमिर खान को हटा दिया है और उनकी जगह पर साउथ एक्टर महेश बाबू को लेने वाले है, और अभिनेता अभिषेक बच्चन जो दुशासन के किरदार में थे उनको भी हटाने वाले है। पर इस बात पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो उनकी जगह पर किसको लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्म पर काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है, जिससे कि यही लगता है कि एसएस राजामौली की महाभारत फिल्म बहुत जल्द ही लोगों के दिलों पर राज करने वाली है। और ऐसे ही ऐतिहासिक फिल्में डायरेक्ट करने में एसएस राजामौली माहिर है, क्योंकि इनकी तरह कोई भी फिल्म नहीं बनाता और इतनी ऐतिहासिक और इंटरेस्टिंग फिल्में बॉलीवुड में भी नहीं बनाई जाती। वेल दोस्तों क्या बॉलीवुड सितारों को उनके किरदार से हटाकर एसएस राजामौली ने सही किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।